21 वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में, और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, पाठ नंबर 12, और हमारे इस पाठ का नाम है पानी की कहानी। क्या नाम है पाठ का? पानी की कहानी। इस वीडियो में बच्चों हम इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हमें क्या बताया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पाठ के लेखक कौन हैं। तो हमारे इस पाठ के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। कौन है हमारे पाठ के लेखक? रामचंद्र तिवारी। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। कहानी की शुरुआत में लेखक ने बताया है, यानी कि जब कहानी की शुरुआत हुई है तो उसमें लेखक ने बताया है कि बेर की झाड़ी से मोती सी चमकती पानी की एक बूंद उनके हाथ में आ गई और उनकी दृष्टि उस बूंद पर पड़ते ही वह रुक गई। देखो इसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि बेर की झाड़ी, यानी कि जो बेर का पेड़ होता है उसकी जो झाड़ियाँ होती हैं, एक मोती सी चमकती पानी की एक बूंद, यानी कि जो पानी की एक बूंद है वो मोती जैसी चमक रही थी, मोती के जैसी दिखाई दे रही थी, और वो बूंद उनके हाथ में आ गई और उनकी दृष्टि उस बूंद पर पड़ते ही वह रुक गई। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी हथेली से सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी, और इसमें लेखक ने उन्हें बताया है थोड़ी ही देर बाद उनकी हथेली से सितारों के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी, और उनकी हथेली पे जो पानी की बूंद गिरी थी, जो सितारे होते हैं ना, जो सितारों होता है गिटार जो हम बजाते हैं उसकी तारों की, जैसे जो उसके गिटार बजाते हैं तो उसकी तारों की जो आवाज़ होती है, जब उसके तारों पर हाथ लगाते हैं, उंगलियों से उसको चलाते हैं, तो जो उनके तारों की आवाज़ है वो सुनाई देने लगी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ, और फिर उसने जो पानी की बूंद को बिल्कुल ध्यान से देखा तो उसे पता लगा कि जो पानी की बूंद दो भागों में बट गई है, और जो पानी की बूंद है वो दो भागों में बट गई है, और अब वो दोनों ही हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रही हैं, और जो अब दो पानी की जो एक बूंद दो भागों में बट गए थे, अब वो दोनों भाग हिलकर हिल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तब कोई कोई भी चीज़ अगर वो एक दूसरे से टकराएगी बच्चों तो क्या होगा? आवाज़ आएगी। तो वही बोला गया है इसमें कि जो पानी की बूंद है वो हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रही है, आवाज़ पैदा कर रही है। लेखक को ऐसा लगा मानो जैसे वो बोल रही हो, और लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो आपस में बातें कर रही हैं, बोल रही हैं और मुझे कुछ कह रही हैं। आगे चलते हैं। लेखक ने यहाँ पर पानी की बूंदों का मानवीकरण किया है। उसके बाद लेखक उन बूंदों से बातें करने लगते हैं, और उसके बाद लेखक जो पानी की बूंद थी उसके दो हिस्से हो गए थे, वो दो बूंद हो गई हैं, तो उन बूंदों से बातें करने लगते हैं। ओस की बूंद अपने बारे में बताती है, और जो ओस की बूंद थी वो कुछ अपने बारे में बता रही है,
कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है, क्योंकि जो ओस की बूंद है वो लेखक को क्या बता रही है कि वो बेर की पेड़ से, बेर की झाड़ी से गिरकर और लेखक की हथेली पर आई है। वह लेखक को यह भी बताती है और वो पानी की बूंदें लेखक को यह भी बता रही हैं कि बेर के पेड़ की जड़ों के रोए उस जैसी असंख्य छोटी छोटी बूंदों से धरती को सींच लेते हैं और फिर उनका उपयोग कर उन्हें बाहर फेंक देते हैं। और जो पानी की बूंदें हैं उन्होंने लेखक को और भी क्या बताया है कि जो बेर के पेड़ की जड़ें, अब देखो ओस गिरती है, ओस तो ऊपर से गिरती है आसमान में से, पेड़ पर गिरेगी, पत्तों पर गिरती है, लेकिन वो पत्ते हैं जो पेड़, वो क्या करता है उन छोटी छोटी बहुत सारी बूंदों को धरती से खींच लेते हैं, यानी कि पेड़ अपनी जड़ों तक उसको खींच लेता है और फिर जितना उनका प्रयोग करके और फिर उसे बाहर फेंक देती है। आगे चलते हैं। पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज थी, और जो पानी की बूंद है वो बेर के पेड़ से बहुत नाराज थी। वह कहती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा करने के लिए मेरे जैसी असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी है। लेखक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और वो क्या कहती है कि पानी की जो बूंद है वो बेर के पेड़ से बहुत ज़्यादा नाराज है और वह कहती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा करने के लिए मेरे जैसी असंख्य, यानी कि जिन कोई संख्या नहीं है, हम उनको गिन नहीं सकते, बूंदों ने अपनी कुर्बानी दे दी है पेड़ को बड़ा करने के लिए। लेखक उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद बूंद बेर की पेड़ की जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाना और उनका प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करना और अंत में पेड़ के पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल आने की अपनी कहानी लेखक को बताती है। अब उसके बाद वो लेखक को और भी क्या बताती है कि जो बेर की पेड़ के जड़ों द्वारा पानी को खींच लिया जाता है और फिर उनका प्रयोग अपना खाने के रूप में वो कर लेते हैं और लास्ट में, अंत में, पेड़ के पत्तों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा वो उनको बाहर निकाल देते हैं। ये सारी कहानी वो लेखक को बता रही है और साथ में यह भी बताती है कि सूरज के ढल जाने के कारण अब वह भाप बनकर उड़ नहीं सकती, इसलिए वह सूरज के आने का इंतज़ार कर रही है। और उसने ये भी बताया है कि जब सूरज ढल जाता है, सूरज छिप जाता है, तो रात हो जाती है, तो अब वो भाप बनकर आसमान में भी नहीं उड़ सकती और अब वो सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रही है। सूरज निकलेगा तो वो भाप बनकर शायद उड़ जाए। आगे चलते हैं। लेखक उसे आश्वासन देते हैं और लेखक उसे विश्वास दिलाते हैं, उसे भरोसा दिलाते हैं कि अब वह उनकी हथेली पर बिल्कुल सुरक्षित है। अब लेखक उन पानी की बूंदों को विश्वास दिला रहे हैं कि अब वो उनकी हथेली पर बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद पानी की वह छोटी सी बूंद लेखक को अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है
और जब उसके बाद जो पानी की एक छोटी सी बूंद है वो लेखक को अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है, यानी कि वो कैसे पैदा हुई है, कहाँ से वो कैसे आई है, कैसे उसकी जन्म हुआ है, कैसे वो बनी है, तो इन सभी के बारे में वो लेखक को बताती हैं। बूंद कहती है कि जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, यानी कि सब कुछ इधर उधर हो रहा था, पूरा ब्रह्मांड उथल पुथल हो रहा था, अनेक नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी कि ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, ये दुनिया बन रही थी, तब मेरे दो पूर्वज हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारी गैस होती है, हाइड्रोजन और सभी बच्चों ने साइंस में भी पढ़ा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सूर्य मंडल में आग के रूप में मौजूद थे और सूर्य मंडल लगातार अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काटता रहता था। देखो अब उसने क्या बताया है कि जब पूरा ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, सब कुछ इधर उधर हो रहा था, नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी कि जो सृष्टि की रचना है वो हो रही थी, ब्रह्मांड तब शुरू में बन रहा था, तो मेरे दो पूर्वज हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो सूर्य मंडल में आग के रूप में मौजूद थे और सूर्य मंडल लगातार अपने एक निश्चित मार्ग पर चक्कर काटता रहता था। जो सूर्य मंडल है वो लगातार उनका एक निश्चित मार्ग था कि यहाँ से यहाँ तक इतने एरिए में ही चक्कर काटेगा, तो वो निश्चित मार्ग में चक्कर काटता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में ही बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा, लेकिन एक दिन अचानक से उस ब्रह्मांड में ही, लेकिन सूरज से बहुत बड़ा लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई दिया। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, यानी कि यह पिंड है जो वो बहुत तेजी से सूर्य की तरफ आ रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी कांप रहा था, और जो उसकी वो आकर्षण शक्ति है, जो उसके आने की स्पीड है, पावर है, उसके आकर्षण शक्ति को देखकर सूरज भी डर गया था, यानी कि सूरज भी कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सूर्य से टकरा जाएगा, और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वह सूरज से टकरा जाएगा। क्या बताया था उन्होंने फिर लेखक को एक बार कि जब ये ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, यानी कि ग्रह उपग्रह ये सारी चीज़ें बन रही थी, सृष्टि की ही रचना हो रही थी, तब हमारे दो पूर्वज थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो सूर्य मंडल में एक आग के रूप में मौजूद थे, और जब सूर्य मंडल लगातार अपने एक निश्चित चक्कर निश्चित मार्ग पर चक्कर काटता था, लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में उन्हें एक प्रकाश का पिंड दिखाई दिया और वो सूर्य की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मानो ये सूरज से टकरा जाएगा। आगे चलते हैं। मगर वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही दूसरी दिशा की ओर निकल गया, लेकिन वो दिखने में लग रहा था, लेकिन क्या हुआ, वह सूरज से बहुत दूर यानी कि सहसों मील दूर से ही दूसरी दिशा में निकल गया।
परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन उसकी जो भीषण आकर्षण शक्ति थी, उसके कारण, उसकी इस आकर्षण शक्ति के कारण जो हमारा सूरज है, सूर्य है, का एक भाग टूटकर छोटे टुकड़ों में बट गया, यानी कि उस एक भाग को टूटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, और जो वो अलग अलग टुकड़े हुए थे, वो एक टुकड़ा क्या है, हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, लेकिन जब वो सूरज तो एक आग का गोला ही होता है, जब उसका कोई एक भाग निकला है, एक पार्ट निकला, तो वो भी आग का गोला ही है। तो लेकिन जब वो सूरज से दूर हुई है, तो प्रारंभ में वो एक बड़ा आग का गोला थी। आगे चलते हैं। लेखक ने बूंद से प्रश्न किया, और फिर लेखक ने बूंद से पूछा कि अगर पृथ्वी आग का गोला थी, तो तुम पानी कैसे बनी, यानी कि आग में तो पानी नहीं हो सकता। तो उसने कहा, जब पृथ्वी ही एक आग का गोला थी, तो तुम पानी कैसे बनी। तो बूंद ने जवाब दिया, बूंद ने बताया कि अरबों वर्षों में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई, और मेरे पूर्वजों ने आपस में रासायनिक क्रिया कर मुझे पैदा किया। लेकिन फिर बूंद ने बताया कि अरबों वर्षों में, यानी कि बहुत सारे अरबों वर्षों के बाद, धीरे धीरे वो पृथ्वी ठंडी होती चली गई, और मेरे पूर्वजों ने, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे उसके पूर्वज, मेरे पूर्वजों ने आपस में एक रासायनिक क्रिया कर मुझे पैदा किया, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं निकली, कुछ ऐसी रिएक्शंस निकली जिससे मुझे पैदा किया, यानी कि बूंद को, ओस को, पानी को पैदा किया गया। आगे चलते हैं। पैदा होते समय में भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी, और पैदा, जब वो पैदा होती है, जब उसका निर्माण होता है, उस समय भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। फिर धीरे धीरे ठोस बर्फ में बदल गई। पहले तो बूंद थी, पानी के रूप में थी, लेकिन वो धीरे धीरे कठोर होती गई, ठोस होती गई। अब पानी जम जाता है, पानी कठोर होता है, तो क्या बनती है उसकी, बर्फ बनती है। तो वो धीरे धीरे कठोर होकर बर्फ में बदल गई। फिर लाखों वर्षों बाद सूरज की किरणें पड़ने और गर्म जल धारा से मिलने के कारण मैं पानी में परिवर्तित समुद्र में पहुंच गई। लेकिन फिर क्या हुआ, लाखों वर्षों के बाद पहले वो बर्फ़ के रूप में रही, लेकिन फिर जैसे ही सूरज की किरण पड़ी, अब सूरज तो गर्म होता है, जैसे सूरज निकलता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो जैसे सूरज की जब किरणें पड़ी, आप देखो बर्फ़ है, बर्फ़ हम बाहर धूप में रखेंगे तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जब सूरज की किरण पड़ी और गर्म जल से, यानी कि उसकी जो गर्मी थी, उसकी गर्माहट के कारण मैं पिघल कर एक पानी के रूप में बदल गई और समुद्र में पहुंच गई। आगे चलते हैं। बूंद कहती है कि नमक से भरे समुद्र में बहुत ही अनोखा नज़ारा था, और फिर बूंद कहाँ पहुँच गई, समुद्र में। और फिर बूंद ने समुद्र के बारे में क्या बताया कि नमक से भरे समुद्र में, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ही अनोखा नज़ारा था। वहाँ एक से एक अनोखे जीव भरे पड़े थे, यानी कि वहाँ पर एक से एक अलग अलग तरह के जीव भरे हुए थे, जैसे रेंगने वाले घोंघे,
कैसे कैसे जानवर जीव जंतु थे वहाँ पर, रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ आदि, यानी कि बहुत सारे जीव जंतु उसमें हमने देखे थे। और समुंदर की अधिक गहराई में, यानी कि समुंदर के और नीचे जाने के बाद, और भी गहराई में जाने के बाद, जंगल, छोटे छोटे ठिंगने व मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे हुए थे, यानी कि उसमें जंगल था और जंगल में छोटे छोटे भी और मोटे मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे हुए थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ, गुफाएँ और घाटियाँ भी थी। समुद्र में और क्या क्या था? पहाड़ियाँ, गुफाएँ और घाटियाँ भी थी, जहाँ आलसी और अंधे अनेक जीव रहते थे। उसमें गुफाओं में कौन रहते थे? आलसी और अंधे, बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव रहते थे। आगे चलते हैं। बूंद लेखक को आगे बताती है, और बूंद फिर लेखक को और क्या बताती है कि समुद्र के अंदर से बाहर आना भी आसान काम नहीं था, और समुद्र में जाने के बाद, लेकिन समुद्र से बाहर आना इतना आसान नहीं था। उसने समुद्र से बाहर आने के लिए कई कोशिशें की, कई बार प्रयत्न किए। कभी चट्टानों में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश की, कभी धरती के अंदर ही अंदर किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, कभी चट्टानों में घुसकर या फिर कभी धरती के अंदर ही अंदर किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की कोशिश की। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद अतः ज्वालामुखी के निकट पहुंच गए, और ऐसी बहुत सारी कोशिशों के बाद अतः अंत में ज्वालामुखी के पास पहुंच गई। ज्वालामुखी की गर्मी के कारण वह फिर से भाप में परिवर्तित हो आसमान में उड़ चली, और ज्वालामुखी की गर्मी के कारण फिर से वो भाप बन गई और फिर भाप के रूप में आसमान में उड़कर चली गई। फिर बादल के रूप में परिवर्तित होकर दोबारा बरस कर जमीन में आ गिरी, और फिर क्या हुआ? जमीन में आने के बाद नदी के रूप में बहने लगी। तभी एक नगर के पास एक नल द्वारा उसे खींच लिया गया, और फिर क्या हुआ? किसी नगर में उसे नल द्वारा खींच लिया गया। दोबारा एक बार समझाती हूँ। देखो, बूंद ने लेखक को फिर क्या बताया कि वो समुद्र में चली तो गई थी, लेकिन समुद्र से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। उसने बहुत सारी कोशिशें की, अलग अलग तरीक़ों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर तो न निकल पाई, लेकिन ज्वालामुखी के पास पहुंच गई। लेकिन अब ज्वालामुखी की गर्मी के कारण वो भाप बनकर आकाश में बादल के रूप आकाश में चली गई, और फिर बादल बन के बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरी। अब देखो, बारिश आती है, ज़मीन पे पानी होता है, वो बह के जाता है, तो कहाँ? एक नदी तो बनती है। लेकिन जब वो नदी के रूप में बहने लगी, तो जब हमारे घर में हैंडपम्प्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, नल होते हैं, तो वो नल के द्वारा किसी उसे एक घर में खींच लिया गया। महीनों तक नलों में घूमने के बाद एक दिन नल के टूटे हिस्से से बाहर निकल आई, लेकिन ऐसे ही महीनों तक नलों में घूमती रही, और फिर एक नल के टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल आई और बेर के पेड़ के पास अटक गई। अब सुबह होने तक का इंतज़ार कर रही है ताकि वह दोबारा भाप बन सके।
और सूर्योदय होते ही ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते ही देखते लेखक की हथेली से गायब हो गई। और फिर क्या हुआ कि वह सुबह हो टूटे हुए हिस्से से बाहर निकलकर आई और बेर के पेड़ के पास अटक गई और सुबह होने का इंतज़ार कर रही है, सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रही है ताकि वह दोबारा भाप बन सके। और सूर्य उदय होते ही ओस की जो वो बूंद है वो घटती घटती कम होती चली गई और देखते ही देखते हथेली से गायब हो गई। ये था हमारा चैप्टर, इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।